भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो? भाई भाई मेरी एल्बम कर दो भाई, दीवाना कर दो भाई, भाई मुझे सारा शी से मिलवा दो भाई, स्मिता ठाकरे से मिलवा दो भाई, बाल ठाकरे से मिलवा दो भाई, अबू सलीम से बचा लो, याद है ना? अबू सलीम से बचा दो, बचा लो मुझे भाई, अबू सलीम गालियां दे रहा है, याद है कि नहीं ये सब चीजें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूं मेरे मुंह मत लगना तू, बस मरीना कवर याद है ना? मरीना कवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है, माफिया इस तरह फंक्शन करता है, उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी वजह से। आज आप हम पर ब्लेम कर रहे हैं कि हम लोगों को चांस नहीं देते, जबकि 97% लोग जो कि टी सीरीज में काम कर रहे हैं आज की डेट में, आप देख लीजिए, वो आउटसाइडर्स है, वो इंडस्ट्री किड्स नहीं है, उनका इंडस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी हम उनको नए टैलेंट को ढूंढ रहे हैं और उनको चांस दे रहे हैं। दूसरी बात जो आपने बोली अपने वीडियो में, वो आपने ये बोली कि भूषण जी आपके पास आए और उन्होंने आपसे कहा कि भाई प्लीज मुझे बाला साहब ठाकरे से मिलवा दीजिए, प्लीज मुझे स्मिता ठाकरे से मिलवा दीजिए, प्लीज मुझे सहारा श्री से मिलवा दीजिए। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोनू निगम जी खुद 5 रुपए में दिल्ली की रामलीला में गाना गाते थे, वहां से इनको स्पॉट किया गुलशन कुमार जी ने, उन्होंने इनका टैलेंट पहचाना, इनको टिकट्स दी फ्लाइट की, इनको बॉम्बे बुलाया और इनसे कहा गया कि मैं बेटा मैं तुझे बहुत बड़ा कलाकार बनाऊंगा। आप बताइए सोनू निगम जी, आपसे ये बात कही गई कि नहीं कही गई? भूषण जी ने इनसे मदद मांगी कि भाई मुझे अबू सलीम से बचा लो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सोनू निगम जी कि अबू सलीम से बचाने के लिए भूषण जी आपके पास क्यों आए? प्लीज इस बात पे तहकीकात की जाए, क्या सोनू जी के रिश्ते थे अबू सलीम से? डेफिनेटली थे, तभी तो वो उनके पास मदद मांगने आए और इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है कि वो उनके पास मदद मांगने आए। क्या है मीटू मूवमेंट? मैं लगा दूं आप पे मीटू, तो मैं लगा दूं आप पे मीटू, बोल दूं आप मीटू रेपिस्ट है, हो जाएंगे आप मीटू रेपिस्ट। तो प्लीज सोच समझ के वीडियो बनाया कीजिए, क्योंकि आपने धमकाया वीडियो में कि आप उस लड़की का वीडियो आउट कर देंगे, बेशक कीजिए, पर नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आउट करना हो याद रखिए प्रूफ के साथ कीजिए, बिना प्रूफ के मीटू मूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। और कोई भी अगर बिना प्रूफ के कोई इल्जाम लगाता है, क्योंकि जब से आपने ही अपना वीडियो ऑन किया है तब से वापस हमारे पास ब्लैकमेलिंग कॉल शुरू हो गए, वापस कई लड़कियां उठ गई हैं कि हमें तो सोनू निगम जी से इंस्पिरेशन मिल गई है, हमें आप पर, आप हमें काम दो, या तो हमें आप पैसा दो, नहीं तो हमें आप, हम आप पर ये कर देंगे। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।